होगा, मैं उसमें प्रोजेक्ट हेड हूँ और मैं पवन जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मार्वल परिवार की तरफ से उनको भावभीनी बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के सामने मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हम एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया है। हमारा हरियाणा के अंदर हांसी हिसार शहर आपने सुना हो, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तो हमारी मुलाकात आज से 10 ईयर पहले पवन जी से हुई थी और उसके बाद जो परिवार मेंबर हमें उन्होंने बना के रखा अपने साथ, और एक छोटे से गांव से आने वाले तुच्छ इंसान को आज मुंबई शहर तक हमारे एरिया का सबसे सुनहरा सितारा बना के हमें छोड़ा है, उनके लिए मैं अपने दिल से उनको परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पवन जी हमारे जैसे कुछ इंसानों को ऐसे ही आसमान पे फ्लाई कराते रहें और इनकी जो भी मेरी रियल, मैं पवन जी के रियल लिए गवाह हूँ कि कभी भी उन्होंने इस हमारा जो ये वास्तु का है इसमें बहुत लोग बड़ी गलत रास्ते पे सोचते हैं, लेकिन पंडित जी ने हमारे को बगैर किसी लालच के हमारे जैसे इंसानों को एक अच्छी प्रवृत्ति की तरफ ले जाने का काम किया है, मैं उनके लिए आभारी हूँ। ढेर सारी बधाई हैं पवन कौशिक जी को, और जैसा कि आप जानते हैं आज के साइंटिफिक रिसर्च पर काम करने वाले और प्रैक्टिकल लाइफ पर जो विश्वास करते हैं, तो ये भविष्य बताने वालों पर मैं कतई विश्वास नहीं करता, लेकिन ये इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और जो पंच तत्व जैसे चांद सूरज इनकी स्थिति, ग्रह की स्थिति पर हमारे बॉडी पर जो असर करता है वो ही असर हमारे ग्रहों पर करता है, और उस पर रिसर्च कर वो प्रडिक्शन करते हैं, तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। गुरु जी हमेशा हंसते खिलाते रहे एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज गुरु जी का बर्थडे है तो बहुत अच्छे दिन के मौके पे है, क्योंकि आज कृष्ण जी का जो है जन्मदिन है और आज हमारे गुरु जी का ही बर्थडे है, तो बहुत अच्छा दिन है। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से हर साल जो है ये बर्थडे जो है बनता रहे, और आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलते रहें। अच्छा, आप कितना मानते हो इस चीज़ों को? वेरी फ्रेंकली पहले तो मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, बट जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ और गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए तब से मैं बिलीव करने लगी हूँ। पवन भैया को मैं तकरीबन 4 साल से जानता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि उनका आज जन्मदिन है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मेरे को उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, और उनके जितने भी जो भी उन्होंने मेरे को बताया है, जो कुछ भी मेरे करियर और पर्सनल लाइफ के लिए उन्होंने मेरे को समझाया है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है, तो मैं तो यही जानता हूँ। आइए भैया। भैया का बड़ा सहयोग रहा है, एंड मैं जानता हूँ कि जो भी इनके साथ जुड़ जाता है तो उनका बहुत ही उनके लिए बहुत सौभाग्य वाली बात होती है, तो और हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व होता है, तो आई विश पवन भैया ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे भी काफ़ी समय लग गया था फिल्मों में वापस आने के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और उनका आशीर्वाद रहा है। प्रथम मैं पंडित मोहित नवानी दिल्ली से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और मेरे बड़े भाई और जिनका आशीर्वाद मुझे निश्चित तौर पर मिलता रहा, आज उनका जन्मदिन है और इवन देश ही नहीं पूरे विश्व भर में उनको आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जहाँ तक मैं आज शुभकामनाएँ देने भी आया हूँ, और उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहता है, और निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पवन कौशिक जी को कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पे सब बनाए रखें और हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पे हमेशा चलते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं, और उसी की शुभकामनाओं के साथ एक जो हमारा स्नेह के साथ में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ आज। पवन जी को कौन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं एज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर,
पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, हम सबकी लाइफ को भी वो डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि मेरी काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है ऐसी, क्योंकि मुझे जब ऐसा कभी लगा है कि मुझे कुछ काम करना है और मुझे सही दिशा मिल नहीं रही है, तो मैंने कई बार उनका सजेशन लिया और मैंने वो रास्ता अपनाया और निश्चित रूप से मैं वहाँ तक पहुँच गई जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। वो एक जैसे कहते हैं पंच तत्व जिसे कहते हैं, उसके शक्ति से वो सारे कार्य करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबको अच्छा दिशा दिखा रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली से मैं जानती हूँ, लेकिन सब लोग इतने अच्छे हैं कि जितना भी बोलूँ कम है। शायद पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी और आज भी मैं एक बड़ी हूँ आप सबके सामने। तो थैंक यू पवन जी, और आपकी बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के लिए आपकी मन की हर इच्छाएं पूरी हो, तो आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होगा। भेज दो, ये मुझे भेज दे सर। मैं एक्चुअली हम इसलिए आए, हमें जो है हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, ये एक्चुअली बॉडी का काम है एंड सो हाईली एंड गुड रिगार्ड। सो इट्स माय प्लेजर कि मैं आया हूँ यहाँ पर एंड आई रियली विश यू ऑल द लक एंड ऑल द हैप्पीनेस। एकदम चमकता हुआ चेहरा, ऐसा ही चेहरा सबका होना चाहिए। बहुत बहुत बिलीव करता हूँ मैं, ये समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइड, और गाइड सबको ज़रूरत होती है। उसे ना बिलीव करना आई थिंक बेवकूफ़ी है, बिकॉज काम तो सभी करते हैं, एवरीबडी वर्क्स एंड दे हैव टू वर्क हार्ड, एम आई राइट? लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जो एक उसके हम देते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना, मम्मी कहती है कि यार एक काम कर देना मंदिर पर कैसे करके जाना, तो वो एक फेथ होता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी इज़ अ फेथ एंड आई थिंक नथिंग बिगर देन फेथ। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, देखिए मैं येलो सफ़ायर पिछले 7 साल से पहना हुआ हूँ, और देखिए मैं बहुत मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्री सर, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ। इनमें मेरी फिल्म रिलीज़ हो गई है और ओम नमः शिवाय बहुत ही अच्छी गई है, और अब आगे जो काम करना है तो अब सलाह मुझे आगे से लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, और ये मेरा कैमरे भी बोल दिया तो अभी आप मना भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ईश्वर आपको जो है दिन दूनी रात चौनी उन्नति सदैव प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बात आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ऑन 27th of September इट इज़ माई बर्थडे ऑल्सो, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यंग बाई वन मोर ईयर एक्चुअली, सो आई नीड ऑल द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जी, ये इनका प्रेम है और इनका व्यक्तित्व है, और जो भी उस व्यक्तित्व की ओर वो देखता है वो अपने आप को उसमें समाहित ही पाता है, तो यही का प्रेम है, इनकी महत्ता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। तो खैर देखिए, महानता तो ऊपर वाले की होती है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि वी आर जस्ट बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स डूइंग आवर जॉब, और आई रियली फील वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी, आप जियो हजारों साल, मुंबई रहो या रहो नैनीताल, अपनी खुशियों को रखना संभाल, यही तहजीब से दुआ दे रहा है परिवार सुनील पाल। एस्ट्रोलॉजी और भविष्य जो है, ज्योतिष जो है, एक विद्या है, एक आर्ट है, एक कला है, और हर कला को मेरा सलाम। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से, कौन सर से? मैं तो इनको अपना गुरु मानता हूँ, ये हमारे गुरु भी है, शिक्षक भी है, परीक्षक भी है, प्रशिक्षक भी है, निरीक्षक भी है, और इनको मुझ पर शक भी है। देखिए, सुनील पाल से सभी परिचित हैं और सभी को पता है कि जो इनके पास हास्य व्यंग का जो स्तर इन्होंने प्राप्त किया है, जितने बड़े कॉमेडियन हैं और जिस प्रकार से ये अपना उस को दुनिया को देते आ रहे हैं, हंसाते आ रहे हैं, गुदगुदाते आ रहे हैं, उससे सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं जिस सुनील पाल को जानता हूँ, वास्तव में उनका दिल कितना खरे सोने का है, मतलब उसको बयान में शब्दों में नहीं कर सकता। सदैव जब भी मैं आया हूँ, जब भी मैंने उनको आमंत्रित किया है, कहीं भी हो, शूट पे हो, बाहर हो, सुनील पाल ने अपनी हर चीज़ को जो है कैंसिल करके मुझे बधाई देने अवश्य आए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव उन्नति की पथ पर ये इसी तरह अग्रसर होते रहें और इनका नाम उस क्षितिज पर चमके।
जितने अच्छे इंसान हैं उतना ही अच्छा इनका काम है और इसी तरह से ये सफलता की तरफ बढ़ते रहें, यही चाहूँगा। आप बिलीव करते हो मतलब? जी जी, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले नीलम और मुहराज एक ही हाथ में पहनता था, तो कौशिक जी ने ये हाथ से बदलवाया कि एक साथ नहीं पहनते, एंड जब से चेंज किया तब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं लाइफ में, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं एंड इनको इनका दुनिया मानेगी। अभी मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाती हूँ और मैं ऑल ओवर काम करती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं, जो कि पवन जी ही बता सकते हैं, तो आप कहीं का कहीं आसमान छू सकते हो। तो पवन जी अभी बहुत जल्दी जितने रॉयल्टीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका भी जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी करने। तो पवन जी ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे कामयाबी को छूते रहें और हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। शुक्र है, लोग आपकी वजह से फले फूले, तो यही मेरी दुआ है कि उनकी हर चीज़ जो ये कहें वो सत्य हो। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जन्म तारीख, जन्म कुंडली, जो हम पैदा होते हैं जिस वजह से जिस वक्त, वो वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, पवन सर को बर्थडे विश करने को आया हूँ, और मुंबई में आपने चारों बाजे देखेंगे पवन सर के होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े, तो कोई भी सुपरस्टार, फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन जैसे सर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं मुंबई में, तो मैं पवन भाई को दिल से विश करता हूँ और जी हजारों साल और इनका सुपर डुपर काम हो गया। अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है, दिल्ली से स्पेशल यहाँ आए और हमको बहुत प्राउड है कि इनसे मैं जुड़ा हुआ। मैं सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं दिन का 14 घंटा काम करता हूँ और हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, और मेरे को तो कर्म से ही फल मिला है, तो मैं ज्योतिषी में नहीं विश्वास करता, सॉरी।